भारतीय संस्कृति और सभ्यता में कृषि, पशुपालन और बागवानी का व्यापक महत्व रहा है। इतिहासकारों का मानना है कि भारत में कृषि का आगमन 10,000 ईसा पूर्व के आसपास ही हो गया था। तब से लेकर अब तक खूब वैज्ञानिक प्रगति हुई। वैज्ञानिक तरीके से खेती के अपार फायदे भी हुए, लेकिन कुछ दुष्परिणाम भी सामने आ गए, जैसे खेती का खर्चीला हो जाना, पर्यावरण प्रदूषण, समय के अनुकूल मौसम का न आना। भारतीय परंपराओं में कई ऐसी कहावतें या अनुमान यानी कि लक्षण बताए गए हैं जिसके आधार पर पहले खेती की जाती थी। आज भी अनुभवी और पुराने किसान कविताएं या कहावतें कहते मिल जाएंगे, जिससे प्राचीन भारत में कृषि ज्ञान का उन्नत प्रमाण मिलता है। जैसे सावन केरे प्रथम दिन उगन न दीखे भान, चार महीना बरसे पानी या को यही प्रमाण। मतलब सावन वादी प्रतिपदा को अगर सूर्य उगता हुआ दिखाई पड़े तो पानी चार महीने तक बरसेगा। इसी तरह से एक और पंक्ति है जिससे कि भारतीय परंपरा में कृषि ज्ञान का प्रमाण मिलता है। भोग समय डर डंबरा, रात उजेली होए, दुपहरिया सूरज तपे, दुर्भिक्ष तेऊ जोए। यानी सवेरे आकाश में बादल छाए हों, रात में आकाश साफ हो, दोपहर को आकाश में तपिश हो, तो निश्चित ही अकाल पड़ेगा। तो किसान भाइयों, कृषि से संबंधित इन्हीं कहावतों को जानना न सिर्फ रोचक लगता है, बल्कि कई तरह से ये कहावतें और कविताएं आज भी कारगर साबित होती हैं। इसीलिए आज हम इस भाग में प्रगतिशील और अनुभवी किसान श्री मृगेंद्र प्रसाद के माध्यम से भारतीय परंपराओं में कृषि ज्ञान को आप तक ला रहे हैं। घाघ और घाघिन की एक है जो कृषि क्षेत्र में और बहुत यात्रा क्षेत्र में बहुत क्षेत्र में वो अपने सूझबूझ और सोच दिए हैं। तो जैसे कि दिए हैं, सावन शुक्ला सप्तमी छिपके उगे भान, घाघ कहे घाघिन से, घाघ मना हो गया मन वो जो उनके पुरुष जो हैं वो अपने स्त्री से कह रहे हैं कि हे घाघिन, जब छिपके भान उगा है तो अब इतना धान होगा, तो छिपके उगे भान, घाघ कहे घाघिन से, कहाँ के राखब धान, यानी बहुत धान होगा। और फिर घाघिन कहते हैं घाघ से कि हे घाघ, छिपके उगे क्या भया, जो गरजे अधिरा, कि जब छिपके अगर उग गया तो ठीक है, अगर आधी रात में मेघ गरज गया, जो गरजे अधिरात, तो तू जा पिया मालवा, मैं जाऊँ गुजरात। यानी तब बरसा यानी कृषि के अनुकूल माहौल खरीफ के लिए नहीं होगा, और इस देश को छोड़ के चलिए कहीं जहाँ कि जीवन यापन हो सके। तो इस तरह की है। फिर है रोहिण नक्षत्र में घाघ कहे हैं, 14 दिन का हुआ नक्षत्र होता है, और 14 दिन का यह है, अभी मैं एक यथिम दे रहा हूँ कि किस दिन वर्षा रोहिण नक्षत्र में होगा, तो कितना दिन आगे वर्षा नहीं होगा। तो ऐसा सब थीम कविता घाघ का है। तो उस कविते को लेके यहाँ अनुसंधान किया जाए कि यह कविता में क्यों ऐसा कहा गया, इसमें क्या तथ्य है, क्या पर्यावरण से इसका क्या महत्व है। अब जैसे भादों में है कि जय दिन भादों में पछिया चलेगा, और जिस जिस दिन चलेगा, जिस जिस तिथि को, जिस पख में, ठीक उसी उसी तिथि में, उसी पख में माघ में पछिया चलेगा। और यह जो किसान सफल किसान है वो पछिया को दिन गिन के रखते हैं, और खास करके जो ताड़ी चुलाते हैं वह तो रखता ही है कि पछिया माघ में उतना दिन चलना है, और पछिया जब चलेगा तो उस समय जो फसल पछिया से आक्रांत होगा उसके बचाव के लिए जो सफल किसान है वो तैयार रहते हैं।
लेकिन ऐसे बहुत सारे घाग के कविता हैं जो ऑथेंटिक घटित होता है, हम लोग जो किसानी करते हैं उसमें घटित होता है। जैसे एक कविता उसमें है कि घर के समीप 12 बीघा जमीन हो, 2 जोड़ी बैल हो, मृगनयनी पत्नी हो और नेमो घर में हो और गरम घी हो, तिरछी नैनी वाली औरत जो हमारी पत्नी है धर्म पत्नी वह परस के आगे में दे अब मैं खाऊं, स्वर्ग से भी बढ़ के किसानी में यह सुख है। यह घाक का कहा हुआ कि अगर ऐसा है तो स्वर्ग से भी बढ़ के सुख है, स्वर्ग काहे के लिए जाऊंगा, स्वर्ग तो यही है। अगर ऐसा परिस्थिति हमारे सामने है तो इस तरह की घाक की बहुत सारी कहानियाँ हैं। और वो हाँ जैसे है नारियल का, नारियल का है कि घर समीप जो नारियल होई तो अन्न धन पुत्र बढ़ावई सोई, यानी नारियल अगर घर के समीप आप लगाते हैं तो अन्न धन और पुत्र तीनों का आप सुख भोगेंगे, आपको सुख मिलेगा। इसलिए नारियल का पेड़ घर के आगे या घर के समीप रहना अच्छा, ये घाक का कहा हुआ है कविता में है कि घर समीप जो नारियल होई तो अन्नधन पुत्र बढ़ावई सोई। तो इस तरह की बहुत है। उसके बाद है तुलसीदास जी का कहता है कि चतुर किसान निरावही, यानी जो चतुर किसान है वह खेत को निराता है, निराता मतलब निकौनी करता है, जो चतुर है वही घास को नहीं होने देता है, जो चतुर नहीं है वह घास होता है। और घास अगर खेत में हो गया तभी देखिए शीत ब्लाइट का प्रकोप है, धान भी कम होता है, घास से ही शीत ब्लाइट होता है, ज़्यादा पानी से भी होता है या नज़दीक में बगीचा है तो होता है। तो निकौनी करना ये चतुर किसान का काम है, यह आपके तुलसीदास जी का करना है। फिर तुलसीदास जी कहें काश जो है अगर फूल के छा जाता है, यानी जनिए वर्षा बुढ़ा गया, अब वर्षा बुढ़ा गया तब वर्षा आप खरीफ का खेती करने के लिए भिड़ जाइए, यानी काश फूल गया और रबी का खेती में आप शुरू कर दीजिए, अब वर्षा कम होगा मतलब वर्षा बुढ़ा गया।